नमस्कार, इस वक्त न्यूज़ लाइव राजस्थान पर मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से। सवालों की सुरंग, क्या चांदी की सिल्लियां देनदार ज्वेलर्स को देख कर्जा चुका कर फरार हो गया शेखर। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी के वैशाली नगर स्थित घर में अनोखी चोरी के बाद सवालों की सुरंग और गहरी होती जा रही है। चोरी में पुलिस अब माणक चौक सर्राफा बाजार के ज्वेलर श्याम नगर निवासी शेखर अग्रवाल की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शेखर चांदी की सिल्लियां देनदार ज्वेलर्स को अपने पुराने कर्ज के बदले चुका कर फरार हो गया है। डॉक्टर के घर में जमीन में गड़ी चांदी के बारे में शेखर अग्रवाल को पूरी जानकारी थी। सुरंग के रास्ते चोरी करने के बाद बदमाशों ने सुरंग के मुहाने को कंक्रीट से बंद कर दिया था। शनिवार को FSL की टीम मौके पर पहुंची और बंद सुरंग की खुदाई कर जांच की। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि प्लास्टर 7 से 8 दिन पहले किया गया था। इधर वैशाली नगर में हुई इस अनोखी चोरी की शहर में चर्चा है कि आखिर डॉक्टर ने जमीन में चांदी क्यों गाड़ रखी थी, साथ ही अब तक वह चोरी हुई चांदी की जानकारी क्यों नहीं बता रहे। कोरोना काल में चांदी 80,000 रुपए पहुंच गई थी। इस दौरान शेखर ने चांदी खरीदी और 2 से 3 माह में भाव गिरते ही उसे नुकसान हो गया। सूत्रों की माने तो नुकसान की भरपाई के लिए ही शेखर ने साजिश रची और डॉक्टर के पास वाले प्लॉट को मुंबई के व्यवसायी से 87 लाख रुपए में खरीद कर 4 जनवरी को ही रजिस्ट्री करवाई थी। शनिवार को मौके पर पहुंची FSL टीम ने प्लॉट में कमरे और उसके पीछे बनी गैलरी की फर्श की खुदाई करवाई। वारदात के बाद बदमाशों ने सुरंग को बंद कर इसमें सीमेंट कंक्रीट भर दिया था। खुदाई के लिए 6 मजदूर बुलाए गए। अब रविवार को भी खुदाई करवाई जाएगी। खुदाई के लिए जब कमरे में लगी टाइल्स को तोड़ा गया तो उसके नीचे करीब